काष्ठी संगमणि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देव व्यदध पुरुत्रा भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार। वृहत्तर भारत। भारतवर्ष के सांस्कृतिक प्रवाह की सीमाएं असीमित रही हैं। ये हिमालय के चहुं ओर विस्तारित हुआ, जिसके प्रमाण पुरातात्विक खनन में उद्घाटित हुए हैं। विगत 1000 वर्ष के कालखंड में अनेक झंझावातों ने भारतवर्ष को संस्कृति से डिगाने का प्रयास किया, किंतु जन आस्था एवं प्रतिबद्धता ने भारतवर्ष की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। स्वाधीनता के समय विभाजन की त्रासदी में भारतवर्ष की समृद्ध संस्कृति के प्रमाण भी विभाजित हुए, किंतु आस्था और विश्वास से परिपूर्ण ये स्थान आज भी उतने ही पूजनीय हैं जितने की शताब्दियों पूर्व में थे। ऐसा ही एक दिव्य स्थान पाक के अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर में है। ज्ञान की देवी मां शारदा का यह मंदिर अत्यधिक प्राचीन है। मंदिर को 18 महाशक्तिपीठ में सर्वोपरि माना गया है। शारदा मंदिर पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद नगर से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा से भी लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पीओके में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास नीलम नदी, जिसका मूल नाम कृष्णगंगा नदी है, के तट पर स्थित है। ये स्थान समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचे स्थान में 11,000 फीट ऊंचाई पर है। इस मंदिर की ऊंचाई 142 फीट और चौड़ाई 94.6 फीट है। मंदिर की बाहरी दीवारें 6 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी हैं। इसके वृत्तखंड 8 फीट की ऊंचाई के हैं। हालांकि देखरेख के अभाव में अधिकतर ढांचा क्षतिग्रस्त हो चुका है। शारदा पीठ में देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। शारदा पीठ का अर्थ है शारदा की भूमि या गद्दी या जगह। शारदा नाम देवी सरस्वती का कश्मीरी नाम है। वैदिक काल में इसे शिक्षा का केंद्र भी कहा जाता था। मान्यता है कि ऋषि पाणिनि ने यहां अष्टाध्यायी की रचना की थी। शंकराचार्य यहीं सर्वज पीठम की शिला पर बैठे थे। रामानुजाचार्य ने यहां ब्रह्म सूत्रों पर अपनी समीक्षा लिखी। सनातन धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने सती के शव के साथ जो तांडव किया था, उसमें सती का दाहिना हाथ इसी पर्वतराज हिमालय की तराई कश्मीर में गिरा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को सुरक्षित रखने का दायित्व ब्रह्मा जी ने भगवती शारदा को सौंपा था। माँ शारदा ने उस अमृत कलश को अमरकुंड झील में छिपा दिया था। फिर उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अमृत कलश को पृथ्वी के गर्भ में रखकर स्वयं समतल शिला का रूप धारण करके उसे ढक लिया था। तब से उस स्थल को श्री शारदा सर्वज्ञ पीठ के रूप में जाना जाता है, जिस पर आरोहण करने वाले विद्वान को जगत गुरु की उपाधि से विभूषित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। एक अन्य कथा के अनुसार मुनि शांडिल्य ने यहां पर मां शारदा की प्रार्थना पूरे समर्पण भाव से की थी, जिससे प्रसन्न होकर मां शारदा ने उन्हें खुद दर्शन दिए थे। देवी शारदा ने उन्हें शारदा जंगलों की देखभाल करने का आदेश भी दिया था। जब मुनि शांडिल्य रास्ते में थे तो उन्हें पहाड़ी के पूर्वी छोर पर भगवान गणेश के दर्शन हुए। यहां से वह किशनगंगा पहुंचे थे और नदी में स्नान किया। इसके बाद उनका पूरा शरीर सोने का हो गया था। इसी समय देवी शारदा ने अपने तीनों स्वरूपों के दर्शन उन्हें कराए थे और फिर उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण भी दिया। जब शांडिल्य मुनि धार्मिक क्रिया की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने महासिंधु नदी से पानी लिया। उससे आधा पानी शहद में बदल गया था। यहां से जो धारा निकली उसे ही मधुमति धारा के नाम से जाना गया।
इस भूमि में अमृत का बीज होने के कारण यहाँ योगियों, सन्यासियों एवं तपस्वी ब्राह्मणों को वरदान प्राप्त होते रहे। इसी भूमि पर महर्षि पाणिनी, महर्षि पतंजलि, आयुर्वेद के महर्षि चरक, वाग्भट्ट आदि का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं पर चरक संहिता, अभिनव गुप्त की तंत्र लोक, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शारंगदेव की संगीत रत्नाकर, कथा सरित सागर, शिव पुराण आदि सनातन कालजयी ग्रंथों की रचना हुई। शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित पहला तीर्थ स्थल है। कश्मीर के इसी मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना शुरू हुई। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में लिखा था कि मुजफ्फराबाद में मधुमती नदी के तट पर शारदा देवी का मंदिर है, जिसे पूरा इलाका पूजनीय और चमत्कारी मानता था। 11वीं शताब्दी में लिखी गई संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी में शारदा देवी के मंदिर का उल्लेख है। इस्लामी विद्वान अलबरूनी ने भी शारदा देवी और इस केंद्र के बारे में अपनी किताब में लिखा है। ये मंदिर कब और कैसे बना, इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये मंदिर 5000 साल से भी पहले बना था, इस बात का जिक्र किताबों में अवश्य देखने को मिला है। पुरातत्व विभाग का भी यह मानना है कि ये मंदिर करीब 5000 साल पुराना है। सम्राट अशोक के काल से भी इस मंदिर का इतिहास जुड़ा है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। कथा सरित सागर संसार भर के कथा साहित्य का आदि स्रोत है। शेक्सपियर, गेटे बोकेशियो सहित न जाने कितने सुख्यात विदेशी कथाकारों ने इसी की कथा कहानियों से अपनी कृतियों की मूल प्रेरणा ग्रहण की। यह संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी रचना कश्मीरी पंडित सोमदेव ने त्रिगर्थ अथवा कुल्लू कांगड़ा के राजा की पुत्री, कश्मीर के राजा अनंत की रानी सूर्यमती के मनोविनोदार्थ संस्कृत में की थी। कथा सरित सागर को गुणाढ्य की बृहत कथा भी कहा जाता है। यह सबसे पहले प्राकृत भाषा में लिखा गया था। बृहत कथा संस्कृत साहित्य की परंपरा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला ग्रंथ है। गुणाढ्य को वाल्मीकि और व्यास के समान ही आदरणीय भी माना है। इसकी कथा वस्तु सभी तरह की कथा कहानियों का एक सागर है, जिसमें छोटी छोटी कथाओं की न जाने कितनी सरिताएं और धाराएं मिलती जाती हैं। इसमें लोक कथाएं हैं, ऐतिहासिक गाथाएं हैं, पौराणिक वार्ताएं हैं, शिक्षा की कहानियां हैं, नीति की, बुद्धिमानी की, मूर्खता की, प्रेम की, विरह की, स्त्री चरित्र की, गृहस्थ जीवन की, भाग्य चक्र की, संक्षेप में जीवन के हर पहलू से संबंध रखने वाली कहानियां हैं। कथा सरित सागर विश्व कथा साहित्य को भारत की अनूठी देन है। बृहत कथा भारतीय कथा परंपरा का महाकोश है। मिथक और इतिहास, यथार्थ और फंतासी व सच्चाई का अनूठा संगम इसमें हुआ है। कथा सरित सागर में 21,388 पद्य हैं और इसे 124 तरंगों में बांटा गया है। इसका एक दूसरा संस्करण भी प्राप्त है, जिसमें 18 लंबक हैं। लंबक का मूल संस्कृत रूप लंभक था। विवाह द्वारा स्त्री की प्राप्ति लंभ कहलाती थी और उसी की कथा के लिए लंबक शब्द प्रयुक्त होता था। इसीलिए रत्नप्रभा लंबक, मदन मंचुका लंबक, सूर्यप्रभा लंबक आदि अलग अलग कथाओं के आधार पर विभिन्न शीर्षक दिए गए होंगे। कथा सरित सागर गुणाढ्यकृत बड़ कथा पर आधारित है, जो पैशाची भाषा में थी। सोमदेव ने स्वयं कथा सरित सागर के आरंभ में कहा है, मैं बृहत कथा के सार का संग्रह कर रहा हूं। बड़ कथा की रचना गुणाढ्य ने सातवाहन राजाओं के शासनकाल में की थी, जिनका समय ईसा की प्रथम द्वितीय शती के लगभग माना जाता है। मूल बड़ कथा अप्राप्य नहीं है, परंतु इसके जो दो रूपांतर बने, इनमें सबसे पुराना बुद्धस्वामी कृत बृहत कथा का श्लोक संग्रह है। कथा सरित सागर में पहला लंबक कथा पीठ है। गुणाढ्य संबंधी कथानक उसका विषय है, जिसमें पार्वती के श्राप से शिव का गण पुष्प दंत वर रुचि कात्यायन के रूप में जन्म लेता है और उसका भाई माल्यवान गुणाढ्य के नाम से उत्पन्न होता है। वर रुचि विंध्य पर्वतमाला में काणभूति नामक पिशाच को शंकर द्वारा पार्वती को सुनाई गई सात कथाएं सुनाता है।
अलकनामी गोरख पंथियों के एक संप्रदाय का नाम। यह लोग अलक अलक कहकर भीख मांगते हैं, कहीं रुकते नहीं। इनकी पहचान है सिर पर जटा, गेरुआ वस्त्र, शरीर में भस्म और कमर में ऊन की सेली। विक्रम संवाद, विक्रमादित्य, उनके युग तथा भारत विद्या से साक्षात्कार।